बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या हय्यो या क़य्यूम। किताब ज़िक्र इलाही जहाद अकबर सफ़ा नंबर 106। हर शय से अफजल ज़िक्र है, जो शय ज़िक्र के लिए वक्फ है वो भी अफजल है। ज़मीन का जो खिता ज़िक्र के लिए वक्फ है मस्जिद है, और मस्जिद से मुकद्दस और कोई मकाम नहीं, ना महल ना दरबार। मकाम की अजमत ज़िक्र इलाही पे मौकूफ़, ज़िंदा रखना मुस्तहसन। जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है अल्लाह होता है, जहाँ अल्लाह होता है रहमत होती है और हर शय होती है। जहाँ ज़िक्र नहीं होता कुछ भी नहीं होता, मुर्दनी छाई होती है। बादशाहों को हसरत है कि वो दुनिया में फ़कीर होते। सब के सब कहते हैं अगर हम दुनिया में कुछ भी ना होते तो क्या खूब होता, और वो काम करते जो यहाँ काम आते। कोई माल जमा ना करते और ना ही छोड़ कर यहाँ आते। अल्लाह का माल अल्लाह की राह में लगा कर आते तो क्या खूब होता। अल्लाह का ज़िक्र करते, ज़िक्र की मजलिसों में जाते, अल्लाह के लिए जीते और अल्लाह ही के लिए मरते। जिंदों को ज़िंदगी का नमूना देकर आते और ज़िंदगी की हसरत मिटा कर आते। ख़ानदान मुगलिया के नामवर शहज़ादा सलीम के महल से सुनसान और वीरान, तेरी दुनिया में कोई और जगह नहीं, बिल्कुल गैर आबाद और चमगादड़ों का मस्कन है। ये कला जो कभी शहज़ादों की आरामगाह था, आज अहले बसीरत की खामोश दरसगाह है। जब वो कला की दरो दीवार से मुखातब हुआ कि बता तो सही तू इतनी शान से बसकर क्यों उजड़ा, इस पर वो कला उसने खून के आंसू बहाए और कहा कि मुझ में हर शय थी, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र न था। शब रोज़ शाही अरबाब का जमघट रहता, यहाँ कैसे कैसे दीवान लगे, यहाँ कैसे कैसे दीवान लगे, लेकिन ज़िक्र इलाही की महफ़िल एक भी ना लगी। ये कला किसी भी वक्त रक्स व सुरूर की महफ़िल से खाली ना रहा, लेकिन ज़िक्र इलाही की मजलिस को तरसता ही रहा। फिर उसने हक की भरपूर तायीद की, वमा अलैना इल्लल बलाग। जो कुछ पढ़ा या सुना गया अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।